गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आठवीं कक्षा की वीडियो नंबर 6 में आपका स्वागत है। हमने कल पाठ नंबर 2 के दो पहरे पढ़ लिए थे। आज हम उस जो पढ़ा दिया गया था उससे आगे से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था तत् किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए। उसके बाद यहाँ से होगा अब शुरू, एवं विचिन्त्य, एवं इस प्रकार विचिन्त्य सोचकर, दूरस्थ दूर खड़ा हुआ, रवम आवाज कर्तुम आरब्धः करता हूँ। इस प्रकार इधर ने क्या सोचा कि मैं दूर खड़ा होकर ही आवाज लगाता हूँ। भो बिल भो बिल, अरी गुफा अरी गुफा, किम न समरसी, किम क्या न नहीं समरसी, याद क्या तुम्हें याद नहीं, यन मन्या कि जो मेरा तव्या तुम्हारे, सह साथ समय शर्त थी, कृतो अस्ति अर्थात तुमने मेरे साथ जो शर्त रखी थी, यत जब यद अहम मैं बाह्यतः बाहर से प्रत्यागमिष्यामि आऊँगा, तदा तब त्वम माम तुम मेरा आकर्षयसि आह्वान करोगी अर्थात मुझे बुलाओगी। यदि त्वम तुम माम मेरा न नहीं आह्वयसि आह्वान नहीं करोगे अर्थात मुझे नहीं बुलाओगी, तरही तो अहम मैं द्वितीयम दूसरी बिलम गुफा में यास्यामि इति चला जाऊँगा। तो उसने गिदड़ ने क्या कहा, दूर खड़े होकर ही आवाज़ लगाई कि अरे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरे साथ एक वचन लिया था, एक मेरे साथ शर्त रखी थी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ लगाओगी, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगी तो मैं दूसरी बिल में या दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। अत इसके बाद एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, सिंह शेर ने अचिंत्य सोचा, ऐसा सुनकर कि ये तो अपनी गुफा से बातें कर रहा है, वो अंदर बैठा शेर सोच रहा था, सुन रहा था ये सारी बातें और सोच रहा था, उसने क्या सोचा, नूनम एषा नूनम अवश्य ही एषाम, इस गुहा गुफा के द्वारा स्वामिने अपने स्वामी को सदा सम्मान करोति, हमेशा ही उसका आह्वान किया जाता होगा अर्थात हमेशा ही यह गुफा अपने स्वामी को आवाज़ लगाकर बुलाती होगी। परंतु लेकिन मद भयात मद मेरे भयात डर से न किंचित न नहीं किंचित वत्ती कुछ भी नहीं बोल रही अर्थात अब मैं इसके अंदर बैठा हूँ तो ये मेरे डर से अपने स्वामी को आवाज़ नहीं लगा रही। अथवा साध्व इदम उच्यते, या ठीक ही कहा गया है। देखिए यहाँ श्लोक कहा है, श्लोक में क्या बताया है, भय त्रस्त मनसाम हस्त पाद आदि कहा क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेप्तु चा अधिको भवेत्। भय डर से त्रस्त त्रस्त मनसाम मन वाले व्यक्ति का, या डरे हुए या सहमे हुए व्यक्ति की हस्त हाथ पाद आदि का पैर आदि की क्रियाएं अर्थात काम करने की जो शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाती है। डरे हुए मन वाले व्यक्ति की हाथ पैर आदि की क्रियाएं भी बंद हो जाती हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी, यहाँ तक कि वह बोल भी नहीं पाता। प्रवर्तन्ते होता है वह प्रवर्तन नहीं होता वाणी में अर्थात उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। वेप्तु चाधिको भवेत, वेप्तु चाधिको का अर्थ है उसका शरीर भी कांपने लग जाता है अर्थात क्या बताया है, जब कोई हम अपने से ही उदाहरण लेते हैं कि जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, हमारे जो हाथ पैर हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं, कई बार तो हमारे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती, सारा शरीर कांपने लग जाता है। तो यही बात शेर ने कही है कि अब ये जो गुफा पहले हमेशा अपने स्वामी को बुलाती होगी और मेरे डर से ये अब बुला नहीं रही है, तो
उसी बात को श्लोक के द्वारा कहा गया है कि डरे हुए व्यक्ति की हाथ पैर आदि क्रियाएं बंद हो जाती हैं, उसकी वाणी बंद हो जाती है, अर्थात आवाज़ नहीं निकलती और उसका शरीर भी कांपने लग जाता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम तब मैं अस्य इसका आह्वानम करोमि, इसका आह्वान करूँगा, अर्थात इस गुफा को मैं बुलाऊँगा, मैं आवाज़ लगाऊँगा। एवं सै बिले प्रविश्य, इस प्रकार बिले गुफा में प्रविश्य प्रवेश करके मैं भोजन भविष्यति, वह मेरा भोजन बन जाएगा, अर्थात मैं इस गुफा में मैं इसका आह्वान करूँगा, उसको बुलाऊँगा और वो जो जीव है वो अंदर आएगा और वो मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, इत्थम ऐसा विचार्य, विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक ही श्रृगालस्य गिदड़ का आह्वानम अकरोत, आह्वान के अर्थात गिदड़ को बुलाया, अर्थात उसने शेर ने गुफा बनकर आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन, सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन ऊंची आवाज़ से प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनि से सा गुहा, वह गुफा उच्चई श्रृगालम आवयत, उच्च आवाज़ में गीदड़ का आह्वान करने लगी। प्रतिध्वनि होती है कोई खाली जगह हो और उस पर हम वहाँ पर हम कुछ बोलें तो वो जो हमारी आवाज़ है वो टकरा कर वापिस आए, तो वहाँ पर क्या था, गुफा खाली थी, अंदर शेर था, जैसे ही वो दहाड़ा गरजा तो उसकी क्या हुई, प्रतिध्वनि, यानी कि बहुत ऊँची आवाज़ हुई और उसने गीदड़ को बुलाया। अनेन अन्यपि पशुः भयभीता, अनेन अन्यपि दूसरे पशुः पशु भी भयभीता अभवन, डर गए, यानी कि उसकी गुफा के अंदर इतनी ऊंची आवाज़ थी, दूसरे जो पशु पक्षी थे वो भी डर गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत्, श्रृगालो अपि गीदड़ भी ततः वहाँ से दूरम दूर पलायमानः, पलायमान होते भागते हुए, इमं अपठत् यह बोलता रहा, उसने क्या कहा भागते हुए, अनागतम यह कुरुते सह शोभते, सह सोचते यो न कृत्यो अनागतम, अनागतम आए हुए, यह आए हुए कष्ट को यह कुरुते जो समझ जाता है, सह शोभते अर्थात तो उसका निवारण कर लेता है, वह सुखी रहता है। न सोचते यो न क्रोत अनागतम, और जो आने वाले सह सोचते यो न कृत्यो अनागतम, जो आने वाले दुख के विषय में नहीं सोचता वह दुखी होता है। कहने का भाव क्या है, अनागतम यह क्रूतो सह सोभते, आए हुए कष्ट को दुख को जो समझ लेता है वह शोभा अर्थात वह सुख को प्राप्त करता है। सह सोचते यो न कृत्यो अनागतम, और जो आने वाले दुख के विषय में नहीं सोचता अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता वह दुखी होता है। वने अत्र इस वन में संस्थस्य रहते हुए समागता जरा, समागता जरा, जरा होता है बूढ़ा, मैं बूढ़ा हो चला हूँ अर्थात इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। विलस्य वाणी गुफा को बोलते हुए, न कदापि मैं श्रुता, मैंने कभी नहीं सुना, अर्थात यहाँ रहते रहते मैं बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूँ, आज तक मैंने गुफा को बोलते हुए कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। तो विद्यार्थियों, इस कहानी, इस पाठ में जो बताया गया है कि यही बताया गया है कि हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ये आपकी इस पाठ की हिंदी थी, मैंने पढ़ा दी है और साथ साथ मैं आपको इसकी हिंदी लिखकर भी दे रही हूँ, आप साथ साथ में अपनी कॉपी में जो भी मैं लिखवाती हूँ वो लिखेंगे। आज इसकी हिंदी ख़त्म हो चुकी है, पहले आप इसके वर्ड मीनिंग लिखेंगे जो मैं आपको कल दिखाऊंगी, या जो हिंदी लिखवा रही हूँ चाहे वो भी लिख सकते हो आप पहले।